हेलो फ्रेंड्स, फोकस ऑन स्टडी विद ईश्वर में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और जो लोग रेगुलरली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा ये पार्ट 5 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो ये सीरीज़ है ये पूरी कंसेप्चुअल बेस पे है। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसे यह सीरीज़ देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिस जिसने भी मेरी सीरीज कम्प्लीटली देखी होंगी उनकी इंडियन पॉलिटी के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें और कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे कि ये पार्ट 5 है तो हम पूरी कंप्लीट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज से जो पहले हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे पहला टॉपिक था पार्ट 4, जिसमें हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड हमने कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पहले थोड़ा सा उसके बारे में कंसेप्टुअल क्वेश्चन, मतलब कि टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। उससे उसके बाद हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्ट में, आज हमारा फाइनल टॉपिक होगा भारत की न्यायपालिका, उसे भी डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ इसके बारे में, संघ के शासन के बारे में। सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है, जिसके अंडर कार्यपालिका और विधानमंडल कार्य करते हैं। कार्यपालिका में एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री होते हैं। और दूसरी तरफ विधानमंडल है, विधानमंडल में संसद है। संसद दो सदन होते हैं, इसमें एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। जो राज्यसभा है इसमें अधिकतम सीटें जो है 250 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो राज्यसभा में जो 250 सदस्य है इसमें से राज्य तथा संघ राज्यों से अधिकतम 238 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्य होते हैं। ये था राज्यसभा के बारे में। अब हम समझ लेते हैं निम्न सदन या लोकसभा के बारे में। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इसमें राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य लिए जाते हैं और जो आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 प्रतिनिधि होते हैं। तो नेक्स्ट, आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। जिसने प्रीवियस सेशन अच्छे से पढ़ा है और जिसने अच्छे से जिसको समझ आ गया है तो आज के सेशन में फटाफट वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है किसके पास होती है? ये होती है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के पास होती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में वोट नहीं दे सकते। कब नहीं दे सकते? यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा का यदि सदस्य है तो वो क्या कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स? यदि आपने प्रीवियस पार्ट अच्छे से देखा है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अब लेखानुदान संघ, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस विषय में? निश्चित अवधि के लिए भारत की सिंचित निधि से धन निकालने के विषय में। ठीक है, किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय बजट पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो ये है कटौती प्रस्ताव से। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, 6 माह तक रह सकता है, उसे किसी न किसी सदन का मतलब कि या मंत्री बनना अनिवार्य है 6 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो वो मंत्री पद से हट जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है, किसे की गई है? संघीय सरकार या संसद को? भारत सरकार का कौन सा मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री पद से मुक्त हो जाता है 6 माह
की बात हो जाता है मंत्री मुक्त। तो ये अनुच्छेद 75 में दिया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेय को परिभाषित किया गया है? ये अनुच्छेद 110 के अनुसार किया गया है। और धन विधेय को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। किसकी पूर्व अनुमति के अनुसार? तो मतलब कि पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इस धन विधेय को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है? वो है विश्वास प्रस्ताव। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो यह है भारत की देन। कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचन करता है? ये अनुच्छेद 75 है, जिसमें 6 माह तक यदि कोई व्यक्ति या सदस्य संसद में किसी सदन का यदि मंत्री नहीं है, तो वो 6 माह के बाद पदच्युत या हटा दिया जाता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र व राज्य में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये कहा गया है, जो ये इसे ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें बोला गया कि जो लोकसभा जो संविधान संशोधन में केंद्र राज्यों में मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 15% नहीं से अधिक नहीं होगा। तो ये था 91 संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे है, इसलिए इन्हें आप याद कर ले अच्छे से, है ना। ये समझने वाली चीज़ होती है फ्रेंड्स, है ना, इसे अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से। जैसे कि क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। पहला हो गया अनुच्छेद 110, ठीक है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। लोकसभा में पारित धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर पारित किया जाना या विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, ठीक है। धन विधेयक, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट देख लेते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है शक्तियों का पृथकीकरण, ठीक है, शक्तियों का पृथकीकरण। भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। काफी इजी क्वेश्चन था। संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? ये करती है विधान पालिका के प्रति। वित्त विधेयक के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति की। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है पर उसके महाभियोग का भाग नहीं है? तो ये है राज्यों की विधानसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो महाभियोग का भाग नहीं है वो राज्यों की विधानसभा है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो निर्वाचित सदस्य है और राज्यों की विधानसभा है वो क्या करती है? राष्ट्रपति का चुनाव करती है, ठीक है, चुनाव में भाग लेती है। परंतु जब महाभियोग की बारी आती है तो महाभियोग में ये भाग नहीं लेती है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा इस आशय पर पारित प्रस्ताव पर, है ना। संसद के लोकलेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सार्वजनिक लेखा समिति विवरण प्रस्तुत करती है संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष पद्धति
से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होता है कि राज्य की जो मंत्री, जो राज्य की, जहाँ पे, यहाँ पे था ना कि राज्य की विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत पर महा सॉरी फ्रेंड राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। सरकारी आयोग इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये की गई है संसदात्मक प्रजातंत्र की। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के अंदर ये पूछा गया है। फ्रेंड्स, आकस्मिकता नीति को राष्ट्रपति किसे व्यय कर सकता है? वो कर सकता है संसदीय स्वीकृति के बाद, अनुच्छेद 267 के अंदर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? आवश्यक योग्यता पूछी गई है, एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, अनुच्छेद 58 के अंदर। राष्ट्रपति के बारे में और पढ़ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और पांडुचेरी सहित के चुने गए सदस्य, अनुच्छेद 55 में इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये सदस्य क्या होते हैं? जो चुने गए या निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, वो हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग द्वारा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? वो करता है उपराष्ट्रपति की नहीं कर सकता है, ठीक है, इसकी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं इसकी नियुक्ति। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, ये थे एन संजीव रेड्डी, जुलाई 1972 में, ठीक है, एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं हम। भारत का न्यायवादी, नियंत्रक के महालेखक, प्रशिक्षक, राज्य का राज्यपाल। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। कोई धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय नियंत्रण होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये तो जीवी मलावकर सबको पता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो थे जीवी मालवकर, 1954 में लाया गया था। कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है, मतलब बुलाता है? वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 118 के तहत। तो लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। भारतीय संसदन किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ये करती है संसदीय समिति के माध्यम से। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, ये कहलाती है बैठ जाना, यील्ड ऑफ फ्लोर। राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभा द्वारा। राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्य की जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर सकते हैं।
करते हैं, मतलब इसलिए इसे राज्यसभा को क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा में, राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, वो आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 अनुच्छेद के अंतर्गत। किन राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 18। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है, यह है 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन अविष्कार कर दे तो वो क्या होता है, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, यह भी हमने पढ़ा था, कटौती प्रस्ताव। थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, काफी लंबा सेशन है। राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है, वो है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 42 सीटें हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को विपक्ष की मान्यता हेतु कम से कम होनी चाहिए, वो है कुल सदस्यों का 1/10, मतलब कि कोरम की यदि हमने पूरा करना है तो 1/10 सदस्य होना जरूरी है। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस एक जनगणना पर आधारित है, वो है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कब पूरा होता है, लोकसभा और राज्यसभा में होता है कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य जब होते हैं पूरे। भारतीय संसद बनती है, वो बनती है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब इम्पोर्टेंट है, राज्य दिए हैं, लोकसभा के स्थान दिए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कितने हैं, 42 है, असम में कितने हैं, 14 है, पंजाब में कितने हैं, 13 है, पश्चिम बंगाल में कितने हैं, 42 है। कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है, तो वह है धन वित्तीय विधेयक, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, तो ये किसे शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य शक्ति प्राप्त है, मतलब कि लोकसभा को प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्यों में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, वो उत्तर प्रदेश में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। लोकसभा कौन सा लोकसभा का क्षेत्र के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है, वो है लद्दाख। लोकसभा का कार्यकाल, तो ये होता है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनुच्छेद 83(2) के अंदर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की सर्वाधिक संख्या है, वो है मध्य प्रदेश में। ये था ऊपर जाति के लिए। जब लोकसभा में अनुसूचित जातियों की बात आए तब है मतलब कि उत्तर प्रदेश में, और जनजाति मतलब कि ST के लिए आए, शेड्यूल ट्राइब के लिए बात आए तो है मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय संविधान को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, अनुच्छेद 253 का प्रयोग करके। कोई धन विधेयक जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधन किया गया हो, पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार पारित कर दे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, वो है 2 बार, अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान किया गया है। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, वो होती है साधारण विधेयक में, अनुच्छेद 108 के अंदर। किन राज्यों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, वो है केरल, बिहार और तमिलनाडु में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन, सत्रावसान या विघटन के द्वारा में। इसके विषय में जो कंप्लीट वो सीरीज है उसमें पार्ट 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं इन तीनों के बारे में, तो आप उन्हें देख लें वहाँ पे। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संयुक्त समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति अनुप्रदान
प्रदान करता है वो करता है अनुच्छेद 253। भारत की संचय निधि से धन निर्मम पर किसका नियंत्रण है, वो है संसद का 266 के अंदर। किस राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, वो है गोवा व जम्मू कश्मीर में। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, वो है राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित था केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये वित्त आयोग का अध्यक्ष की जाती है। राष्ट्रपति के लिए के रिक्त पद को भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अनुच्छेद 62 के अंदर और 61 के अंदर उसके ऊपर महाभियोग चलाए जाते हैं। विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालयों में से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को 143 के अंतर्गत। यह है कानून, किसी भी कानून के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ये किया है जस्टिस हिदायतुल्ला ने, ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्ला ने। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए 50 मतों द्वारा। नेक्स्ट है संसद का चुनाव लड़ने के लिए, मतलब कि न्यूनतम आयु के नीचे लोकसभा के लिए 25 वर्ष की है। अब संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साल में 2 बैठकें अनिवार्य है। संसद में विधायन प्रस्तावों की पहल कराने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, किस किस के अंदर, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नवीन राज्यों के गठन व राज्यों की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंदर, और धन विधेयक 117, ऐसे कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित है 274 के अंदर। भारत की सिंचाई निधि से व्यय करने के लिए 117। व्यापार एवं सतत स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्यों के विधेयक के अंदर 304 के अंदर। सामान्य वित्तीय विधेयक में सम्मिलित चरण है कौन कौन से हैं, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित करना या वित्तीय विधेयक पारित करना, ये क्या किसके अंदर आता है, सामान्य वित्तीय विधायन के अंतर्गत आता है। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, ये मतलब कि कोरम या गणपूर्ति होनी चाहिए होती है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1/10 होनी चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच, ये भी पढ़ चुके हम, 6 माह का से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यसभा को भंग करने में सक्षम है कोई भी नहीं, कोई नहीं, मतलब कि ये क्या है, स्थायी सदन है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है। किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षित अधिक शक्ति प्राप्त है, तो ये है नई अखिल भारतीय सेवा को गठन करने की अंदर। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का सदस्य शामिल नहीं होते, वो है प्राकलन समिति। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, यह है धन विधेयक या वित्त विधेयक। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन में 14 दिन से अधिक तक उसे लंबित रखे। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, या फिर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, इससे रिटायर होते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में।
अभी पढ़ा था हमने, धन विधेयक और वित्त विधेयक कहाँ होते हैं पारित, ये होते हैं लोकसभा में, या प्रस्तावित कहाँ होते हैं पहले लोकसभा में होते हैं। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। भारत के उप राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके, संसद के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति करता है मतलब उसे भंग पर, उसे उसे पूर्व उसे प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमानत खो देता है, ये सभी को पता है, जब भी वैध मतों का 1/6 से उसे कम प्राप्त हो, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का आवंटन, अभी दोनों केसेस में 1971 की जनगणना के अनुसार ही हो रहा है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का आयोजन ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए किया जाता है जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें रिटायर हो जाते हैं और 1/3 ही सदस्य इसमें जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किए जाते हैं 12 सदस्य, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो आंग्ल इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। 1 वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किस राज्यों में लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, वो है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2 सदस्य। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, वो है राज्यसभा, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के अंतर महाभियोग चलाकर। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, वो रहता है 5 वर्ष तक, ठीक है, पद ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक रहता है। कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था, तो वो था, कौन कौन थे ये, गोपाल स्वरूप पाठक, कृष्ण कांत व भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं राज्यों की कार्यपालिका के बारे में, थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पद तक रह सकता है, ठीक है, वो चाहे तो कभी भी हटा सकता है उसे पद से। मनोरंजन कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, 6 सप्ताह तक। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपका कंसेप्ट क्लियर कर ले, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि संविधान के भाग 6 में राज्यों के शासन हेतु व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 152 के अनुसार राज्य शब्द की परिभाषा में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है। राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, किंतु राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे वो तब तक अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल पदावधि के समाप्त होने के बाद उत्तराधिकारी के चयन होने तक
तक कार्य करता है। राज्यपाल के मनोनयन का प्रावधान कर्नाटक के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 1,10,000 रुपये प्रति मासिक होता है। राज्यपाल पद की पर नियुक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक होती है तथा उसमें राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब राज्यपाल अपने पद एवं कर्तव्य के प्रति किस न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। जब तक राज्यपाल पद पर है उसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश नहीं जारी किया जा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। राज्यपाल मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, राज्य अधिवक्ता आदि की नियुक्ति करता है। राज्य विधानमंडल के में आंगल समुदाय भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति को मनोनीत करता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करता है। यदि 14 दिन में इसे वापस ना किया गया तो इसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदनों के सत्रावसान के कारण कोई भी विधेयक समाप्त नहीं होता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। जैसे उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, इसमें राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। गतिरोध होगा तो इसमें संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। विधान परिषद में प्रस्तुत एवं पारित विधेयक को यदि विधानसभा पारित नहीं करती है तो विधेयक को वहीं पर समाप्त मान लिया जाता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को केवल 3 माह तक रोक सकती है। 3 माह का इसमें इसमें पीरियड दिया गया है तथा विधेयक को पुनर्विचार के लिए केवल 1 माह तक रोक सकती है। राज्य की महाधिवक्ता के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। राज्य महाधिवक्ता विधि मामलों में न्यायालय में राज्य की ओर से पैरवी करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक भत्ते वो प्राप्त होते हैं। और संघ राज्य का प्रशासन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संघ के 2 प्रकार के राज्य है। एक है संघ में सम्मिलित राज्यों के राज्य क्षेत्र तथा पहली अनुसूची में विशिष्ट विनिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। अब वर्तमान में क्या है, भारतीय संघ में 29 है, यहाँ पे थोड़ा ओल्ड है ये, 29 राज्य है और 7 राज्य क्षेत्र है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक प्रावधान किया गया है। दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीपों प्रशासक को उपराज्यपाल तथा दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप के प्रशासन को प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ऐसे राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा विधानसभा से युक्त राज्य क्षेत्र पांडुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विनियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विधानसभा से युक्त राज्यों में विधानसभा क्षेत्र की शांति काल में राज्यपाल उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों पर अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता इस प्रकार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए ध्यान से देख ले। पहले है मुंबई उच्च न्यायालय, इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं? एक तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। हम संघ राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप
मद्रास उच्च न्यायालय, ये अभी एग्जाम में भी आया था, लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम हुआ था, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। केरल उच्च न्यायालय हिमाचल, मतलब कि ये है लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप ही इसी के अंदर आता है। पंजाब हरियाणा ये चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ इसी में आता है, ठीक है। पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसमें चंडीगढ़ भी इसी के अंतर्गत आता है। अब पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ थोड़े से क्वेश्चन है, उसके बाद हम भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? यह है अनुच्छेद 200, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधानसभा की अध्यक्ष की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के। किसी राज्य का राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। और राष्ट्रपति का क्या होता है? प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सदरे रियासत पद नाम बदल कर राज्यपाल कर दिया गया, कब किया गया? ये 1967 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का सदरे रियासत किसका नाम था पहले? ये राज्यपाल का था, ठीक है। पहले राज्यपाल को सदरे रियासत कहा जाता था, और 1967 के बाद इसे राज्यपाल कर दिया गया, ठीक है। संविधान में निर्वाचित राज्यपाल के मसौदे की योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे निर्वाचन या निर्वाचन निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मानता तथा राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही कार्य करना था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया, ठीक है। अब भारत की न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। किसी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए व्यक्ति में किसकी योग्यता होनी चाहिए होती है? तो वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कैसा अधिकार है? ये है मौलिक अधिकार। किसी व्यक्ति की कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? यह है न्यायिक कार्यवाही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो है 65 वर्ष की आयु में। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बंदी उपसंस्थापक। उस अधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो यह है उच्चतम न्यायालय। संसद और विधानसभाओं की विधायी अधिकारी उत्पादितियों या अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? वो की जाती है न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी है? जो हाई कोर्ट के है वो 62 वर्ष है, जो सुप्रीम कोर्ट के है उसकी 65 वर्ष है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, अभी हमने डिस्कस किया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का मामला किसके पास भेजा जाता है? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून का न्याय निर्णय करना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते किससे प्रभावित किए जाते हैं? तो वो किए जाते भारत की संचित निधि से। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय से संतुष्ट लोक सेवक कहाँ अपील कर सकते हैं? वो कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की जारी की जाती है? ये की जाती है 5 तरह की, और ये सेक्शन 32 के अंतर्गत की जाती है, मतलब कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की जाती है, जिसे कि B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है।
भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कोई सीमा नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निर्णयन विधि। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्राधिकरण प्राधिकार है, तो इसमें प्रारंभिक अपीलीय या परामर्शदायी, तीन तरह के क्षेत्र अधिकार प्रमुख है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो वो विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में सही कथन नहीं है, वह सभी उच्च न्यायालयों की मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करता है, ये कथन सही नहीं है। तो क्योंकि जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अभी बताया था कितनी है अधिकतम आयु? 65 वर्ष है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कैट के नियंत्रण में उच्चतम न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है? तो वो अभी डिस्कस किया था हमने, तो यह है 323A के अंतर्गत, ठीक है। 323A के अंतर्गत रिट मतलब कि चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। जो रिट है वो 32 के अंतर्गत है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? वो किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रशासन प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व लक्ष्य पर परामर्श देता है, जो उसे भेजा जा सकता है, वो भेजा जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त शब्द की विधि किससे संबंधित है? वो है लोक विधि से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की कितनी आयु तक पद बनने पर बने रहते हैं? वो बने रहते हैं 62 वर्ष तक, ठीक है। भारत में किस संवैधानिक पद्धति पद पर कोई भी महिला नहीं रही है? वो रही है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं रही है, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है सर्वोच्च न्यायालय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस। यदि आपने फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे। तो अंत में यही कहूँगा, ना तू सच ना मैं सच, सच है सतत संघर्ष। तो मेहनत करते रहे फ्रेंड्स, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।